Guys, welcome back to my YouTube channel. So this is our first lesson plan of English. So just first of all हम इसमें mention करते हैं general details जैसे date, people, teacher name, class, duration, subject, sub subject, topic ये सब. After that हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारे specific objectives पर. At the end of the topic, students will able to क्या क्या होगी. तो कभी तीन या चार हम कैसे specific objectives बनाते हैं. Then we mention the teaching aids की कौन से teaching aids का हमने use किया है. इसमें blackboard work किया था मैंने, chalk, duster, flash cards use किए थे. फिर हम बच्चे के यहाँ पर क्या करते हैं, previous knowledge को test करते हैं. Previous knowledge testing क्या होता है, 3 questions हम पूछते हैं जिसका बच्चा answer दे पाता है. Fourth में बच्चा अटक जाता है. जैसे मैंने first पूछा do you know what is noun, तो उसमें yes noun is a naming word. What is pronoun, उससे बता दे. तो मैंने पूछा the word which is used before noun or pronoun, उन्होंने बोला preposition. बट वो नहीं जाते, preposition specifically है. उसके बाद हमारा था अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक. जब क्लास में हम टीचर्स बोलते स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न अबाउट दिस दैट वट एवर द टॉपिक इज. देन आते हमारी प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट. प्रेजेंटेशन में हमारे 6 कॉलम्स बनते हैं ऐसे. अब इन 6 कॉलम से फर्स्ट होता हमारा टीचिंग पॉइंट्स, देन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, पीपल टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग एंड एन इवैल्यूएशन. टीचिंग पॉइंट्स जो भी आपने पॉइंट पढ़ाया, जैसे डिफाइंड बताई उसकी पहले, तो वो पॉइंट हो गया. उससे बच्चा क्या सीखेगा, वो हमारा बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव. उसकी डिफाइंड क्या बताई आपने, वो पीपल टीचर एक्टिविटी में. स्टूडेंट उस टाइम क्या करते, सुन रहे थे, लिख रहे थे, वट एवर दे आर डूइंग आप मेंशन करेंगे. देन आता है टीचिंग एड, क्या आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखी हो डिफाइन, तो जो भी आपने ब्लैक बोर्ड वर्क किया हो तो वो पेस्ट कर देंगे आप. अगर आपने कोई चार्ट, फ्लैश कार्ड जो भी यूज किया वो आप लिख देंगे. देन उसका क्वेश्चन हम जब लास्ट में पूछे, जैसे आपने सब एक्सप्लेन करते तो आप पूछते ना वो डिफाइन प्रीपोजिशन सेम दैट. इसके बाद होता हमारा कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन भी हमने बताया, तो उसमें भी हमने डिफाइन बता दी. उसके बिहेवियर ऑब्जेक्टिव और इवेल्युएशन का क्वेश्चन आ गया. देन इसके एग्जाम्पल्स बताए, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स बताए. जैसे इसमें बता रखे है एज ए रिजल्ट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, और एक ये ऐसे यहाँ पे टीचिंग एड भी लगा रखा है जिसमें लिखा है गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन. लास्ट में हमने इनका क्या प्रीपोजिशन के कुछ सेंटेंसेस भी बताए कि कैसे इनका यूज होता है. इसके बाद हमारा यहाँ आता है इसकी रिकैप्चुलेशन, जो हमने पढ़ाया, जो भी क्लास में पढ़ाया, जैसे व्हाट इज प्रीपोजिशन बच्चे बताएंगे, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन बच्चे डिफाइन बताएंगे. फिर कुछ सेंटेंसेस लिख दिए मैंने, उसमें बच्चे बता रहे कि क्या क्या इसमें के कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन को अंडरलाइन करना है. देन हमारा आ जाता है यहाँ पे होमवर्क, डू द वर्कशीट, की जो भी हमारी वर्कशीट बुकलेट है वहां, जैसे इसमें वर्कशीट बुकलेट थी तो उसमें वर्कशीट बुकलेट में से जो भी इस प्रीपोजिशन की वर्कशीट थी वो करके लाएंगे. सो दिस इज द होल अबाउट द फर्स्ट लेसन प्लान. अब आगे के जो लेसन प्लान है उसमें क्या, मैंने आपको एक लेसन प्लान कर दिया एक्सप्लेन, ऐसे हमारे आगे के लेसन प्लान है. और लेसन प्लान की वीडियोस, एक वीडियो सुबह और एक वीडियो शाम को डेली रूटीन में आपको मिलेगी. सो थैंक यू, बाय बाय.